नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो एंड साइकिक रीडर, साउंड हीलर। और आपके लिए अभी मैं जो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ आज इस वरी अक्टूबर मंथ के लिए एरिस साइन का टैरो और एस्ट्रो, यानी एस्ट्रोलॉजी और टैरो का कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ अक्टूबर के मंथ में एरिस साइन में क्या होने वाला है। और ये मून असेंडेंट पे है, यानी चंद्र राशि के हिसाब से है, जोडिक साइन पे मत जाइएगा। तो एरिस, सबसे पहले मैं आपके लिए जो कहना चाहूंगी वो ये कि एरिस, आप अगर देखा जाए, अगर हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं तो एरीज का पहला भाव होता है, यानी पहला आपका जो हाउस माना जाता है वो एरीज का माना जाता है। तो आप आते हैं फर्स्ट हाउस में और हमारे पास टोटल होते हैं 12th हाउस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट हाउस एरीज का, और इस तरह से करके टोटल 12 हाउस होते हैं। और 12th हाउस जो होता है वो होता है पाइसेन का। अब आप कहेंगे कि रीडिंग तो एरिस की है पर पाइसेन के बारे में क्यों बताया जा रहा है, तो वो इसलिए बताया जा रहा है कि इस बारी जो प्लैनेटरी पोजीशन है अक्टूबर के मंथ में वो 12th हाउस में बहुत ज्यादा हैवी है, जो कि इम्पैक्ट देगी आपको एरिस आपकी लाइफ में। और इस तरह से हर एक 12th हाउस में ये जो प्लैनेटरी पोजिशन है पाइसेन की इस टाइम, वो हर एक हाउस में, हर एक राशि में वो इम्पैक्ट देगी। तो आज हम, क्योंकि एरिस की बात करें तो एरिस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एरिस अगर देखा जाए तो आपके 12th हाउस यानी पाइसिन के हाउस में इस टाइम जो प्लैनेट्स आए हैं वो बहुत हैवी प्लैनेट्स हैं। लाइक उसमें मार्स भी है, ठीक है, और उसमें उसमें यस उसमें मर्करी और सैटर्न और सन, इनके बहुत ज्यादा स्काई में, जो पाइसन के स्काई में दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, ये बहुत मैलिफिक बेनिफिक जो प्लैनेट्स हैं ये दिख रहे हैं इस टाइम। तो इनकी जो एनर्जी है, यानी सन जो अथॉरिटी को दिखाता है, सैटर्न जो कंट्रोल करता है, मार्स जो है जो कि करेज को दिखाता है, असर्टिनेस को दिखाता है, मर्की कम्युनिकेशन को दिखाता है, ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो पाइसियन में इस टाइम आए हैं 12th हाउस में, ये आपके जीवन में बहुत हद तक काफ़ी चेंज लेके आएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब पाइसियन की बात नहीं कर रही मैं, एरिस की बात कर रही हूँ, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस एरिस पे पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा वो हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगी। वो ये कि बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी के साथ जो पाइसियन के साइन में ये स्काई में दिख रहे हैं ये सारे प्लैनेट, ये बहुत, क्योंकि पाइसियन एक ट्रांजिट का साइन है, यानी इसके बाद, इसको समझ लीजिए कि इसके बाद व्यक्ति का जीवन जो है यहाँ पे उसका पूरा 1 से लेकर 12th हाउस के बीच में यहाँ पे उसका जीवन ख़त्म होता है। तो इस अंतिम हाउस में अगर इतने सारे प्लैनेट स्काई में आ गए हैं तो ये हैवी एनर्जी बहुत बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है इसका, जो कि इस बारी अक्टूबर के मंथ में बन रहा है। और इसमें होगा क्या, इसमें इन जनरल सभी राशियों में क्या होगा कि कुछ, तो सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करती हूँ, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये वाटर साइन है पाइसिन, तो वाटर रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर सैटर्न भी है, आईसाइट रिलेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, बोलेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, सुनेंगे कुछ, क्योंकि मरकरी भी है साथ में और मरकरी रेट्रोगेट में भी है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सन है अथॉरिटेटिव, कुछ डिसीजन बहुत आधिकारिक तौर पे बहुत अच्छे डिसीजन भी हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो केतु क्योंकि आठवें घर में है तो केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं लाइफ में, ठीक है। और क्योंकि केतु जो है मोक्षकारक होता है, तो मैंने बताया बॉटम बॉडी डिजीज हो सकती है, कुछ मंगल है ब्लड से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मर्करी है स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है हेल्थ वाइज इन जनरल सभी राशियों के मैं बता रही हूँ। तो आपका दिमाग स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। पाइसिन जो होते हैं, मैं खुद पाइसिन में हूँ, मीन राशि की हूँ, तो पाइसिन लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं।
तो कंट्राडिक्ट देखिए हर साइन में चल रहा है, तो ऐसे मत बोलिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है हम पाइसन को जानते हो, तो बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम जब जितना भी आप लोग कोई भी राशि के लोग पाइस स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहेंगे तो एक तरफ उनका दिल करेगा अध्यात्म की ओर जाने का, लेकिन दूसरी ओर कुछ लाइफ में ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी कि आप कहेंगे अध्यात्म को बाद में देखेंगे, पहले प्रैक्टिकली इन चीजों से निपट लिया जाए। तो दो तरह से आपका माइंड चलेगा हर राशि के लोगों के लिए, मैं कॉमन बता रही हूँ ये, अभी मैं एरिस पे पहुंची नहीं हूँ। तो कुछ जनरल चीजें बतानी जरूरी है ताकि आपको ये इस बात का ध्यान रहे कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और हर राशि के साथ ये जाएंगी। ओके, और फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, और इसके बाद लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे और बहुत ज्यादा कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ क्विक डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत अच्छे हो सकते हैं आप लोगों के, जिसमें आप अच्छा करेंगे। जगह चेंज हो सकती है, जॉब चेंज हो सकती है, कुछ एनिमीज भी आपके उठ के वापस आ सकते हैं लड़ाई झगड़े करने के लिए, और आपकी बहुत वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी रहेगी। ये तो था इन जनरल, अब लेट्स सी कि एरिस में क्या होने वाला है। देखिए हर एक प्लैनेट का कुछ समय होता है जो एक एक ग्रह में मतलब एक एक हाउस में वो कुछ दिन के लिए रहता है और हर एक का टाइम अलग होता है। सन जो है वो 30 डेज के लिए एक राशि में आता है, वेयर एज मून जो है वो 2.5 डे के लिए आता है। मरकरी भी ऐसे अलग अलग दिन होते हैं, मार्स के भी अलग दिन होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अब इन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस जो एरिस पे पड़ रहा है उसमें एरिस के लिए हम क्या देख सकते हैं और ये प्लैनेट्स एरिस में कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, एरीज आपको ये भी बता दूं कि जुपिटर का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी क्योंकि उससे कि आपको कुछ क्विक अच्छे डिसीजन लेने में, कुछ ट्रैवल करने में, सबसे ज्यादा आप ट्रैवल करेंगे एरीज। अब मैं आपकी बात करती हूँ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा। तो एरीज फाइनेंस वाइज आपका जो पहली बात, आप सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं इस टाइम फॉर फन विद फैमिली या फिर बिजनेस रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आप लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे। और इस टाइम आपके जॉब चेंजेस के चांसेस बनते हैं, हो सकता है आपको कोई ओवरसीज, आपको कोई एक ऐसा डेलीगेशन मिल जाए, ओवरसीज का ऐसा चांस मिल जाए जो आपको आगे फर्दर एक सक्सेसफुल लाइफ मतलब लाइफ जॉब लाइफ में करियर लाइफ को जीने में सहायता दे। इस टाइम हो सकता है आपको ओवरसीज से एक ऑफर आ जाए, एक अच्छा डेलीगेशन विजिट आ जाए, ये भी हो सकता है, ये आपको फ्यूचर में बहुत फायदा करेगा। ठीक है, उसके अलावा सन है, आपके अधिकारी जो हैं वो आपके फेवर में कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये भी हो सकता है आपके लिए, और जो आपके जॉब में करियर में आपको एक एक लेवल अप ले जाएगा, एलिवेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा साथ में कि क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जी आप में आ रही है, तो हो सकता है आपके मूड स्विंग्स हो, आप थोड़ा चिड़चिड़ाने लगे, थोड़ा आपको लगे कि गुस्सा आने लगे, तो आपको ये भी लगने लगे कि मतलब चीज़ें क्यों नहीं आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ जाए। मैंने बोला ना मार्स की वजह से वॉरियर टाइप हो जाएंगे, तो आप थोड़ा हो सकता है कि, और मरकरी भी रेट्रोगेट में, तो हो सकता है आप कुछ बोल जाएं ऐसा जो दूसरे को हर्ट कर जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जॉब प्लेस पे, बिजनेस में, पार्टनर के साथ किस तरह से आपको बोलना है ये देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको, हो सकता है रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में भी, तो ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जाए ना चाहते हुए भी कि आपको अपने रिलेशनशिप या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के लिए एक डिसीजन लेना पड़े कि वेदर टू गो टुगेदर और नॉट, कि अपने पार्टनर के साथ आगे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि आपको बहुत सिंसेरली डिसीजन लेना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आप जो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि 18 तारीख के बाद आप इन्वेस्ट कीजिए, एरिस आपके लिए वो बेनिफिशियल टाइम है। देखिए जनरल रीडिंग है, चार्ट में अलग अलग प्लैनेट अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इसके बेस पे कोई डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, मैं एक जनरल रीडिंग प्रेडिक्ट कर रही हूँ एरिस के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर।
तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 18 के बाद प्लैनेट ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, अगर आपको ठीक लगता है, उचित लगता है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, डबल क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है 28 अक्टूबर तक, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, और उसके बाद फिर वो दोबारा वापस दूसरे में वर्गों में चला जाएगा, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फाइनेंस वाइज इट्स अ गुड टाइम, गुड कैरियर का एक गुड स्टार्ट हो सकता है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब के लिए सबका प्लेस चेंज हो सकता है, सब कुछ अच्छा जा रहा है फाइनेंस में, और बहुत अच्छा जा रहा है ये नहीं कहूँगी, लेकिन एक अच्छी गुड स्टार्टिंग हो गई है आपकी लाइफ में फाइनेंस वाइज, ठीक है। तो ये तो फाइनेंस था। अब अगर बात की जाए आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या हो रहा है, हेल्थ में देखिए, अब आपको ये मेरे को एक सेकेंड कोई आया, तो मार्स जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस में है, तो आपका हो सकता है बिजनेस रिलेटेड कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़े, क्विक डिसीजन जो कि आपके मतलब बिजनेस में एकदम से क्विक चेंज लाए, या जॉब रिलेटेड ऐसी चीज आप करें, या जॉब प्लेस को चेंज करें, आप जॉब चेंज करना चाहें, इट्स अप टू यू। ये अक्टूबर के महीने में ऐसे प्लैनेटरी पोजिशन आपकी दिख रही है। बात की जाए अगर हेल्थ की, तो वीनस और केतु जो एस्पेक्ट दे रहे हैं आपको, उसके हिसाब से हो सकता है आपको थोड़ा अपने स्पाउस, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आपको भी हेडेक या चिड़चिड़ापन हो सकता है वीनस के एस्पेक्ट की वजह से। आपको रिलेशनशिप में भी ना काफ़ी आप सिनिकल बिहेव करेंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो ऐसे मैंने आपको बोला कि इसके क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है प्लैनेट्स का, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में भी क्विक डिसीजन ले रहे कि इसको छोड़ के इसके साथ रहना है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक न्यू अपॉर्चुनिटी गुड बिजनेस के लिए आपकी आ सकती है। रिलेशनशिप आपके क्विक डिसीजन के कारण चेंज हो सकते हैं, आपको मैंने बता दिया कि आपका जॉब और बिजनेस पार्टनरशिप में चेंज हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेल्थ वाइज मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या फिर हो सकता है कि आईसाइट से थोड़ी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और आपको हेडेक हो या चिड़चिड़ापन हो, और आपके वीनस का एस्पेक्ट और केतु का एस्पेक्ट ऐसे बढ़ रहा है आपका कि आपके स्पाउस यानी आपके पार्टनर की हेल्थ पे भी कोई असर पड़ सकता है। तो थोड़ा हेल्थ वाइज थोड़ा टेक कीजिए, केयर कीजिएगा, आपके एक्सपेंस थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, ताकि आपके लिए थोड़ा आसानी हो पैसे बचाने में, क्योंकि त्यौहारों का टाइम है, फेस्टिवल टाइम में खर्चा हो ही जाता है, तो इसके थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मार्स जो है वो मर्करी जो है रेट्रो हो रहा है लेब्रा में, मर्करी वर्गो में जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सिंसियरली डिसीजन लेना पड़े। आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत अच्छी होगी एनर्जी, लेकिन आपको कुछ सिंसियर डिसीजन लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। आपको बहुत एनर्जेटिक फील भी करेंगे, काफ़ी अच्छी आपकी एनर्जी होगी, लेकिन ये सडन आपका ये समझ लीजिए लेवल अप और डाउन होना इस तरह से रहेगा इस टाइम। अगर आपकी मार्स की दशा चल रही है आपके चार्ट में, आप देखिए कि आपका पाइसिस कहाँ पर बैठा है आपके चार्ट में। अब आपका इंडिविजुअल अगर बात करूँ तो आप अपने चार्ट में देखिए, हॉरोस्कोप में आपका पाइसिंग कहाँ बैठा है, उस हिसाब से ये सारे प्लैनेट आपको इम्पैक्ट करेंगे। तो अगर आपके चार्ट में मार्स की दशा है, मंगल की दशा चल रही है, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, या किसी और प्लैनेट के साथ मार्स कोई दशा बना रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। मार्स आपका सिक्स हाउस में आ रहा है, मार्स जो है वो सिक्स हाउस में आपको एस्पेक्ट दे रहा है इन जनरल एरिस, तो ये फिर बात वही आ जाती है कि आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एज पे कुछ वर्क रिलेटेड, कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन लेने पड़ जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली, जो कि आपने सोचा नहीं होगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये मंथ बहुत अच्छा है फाइनेंस के हिसाब से, नए स्टार्टअप, नए बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा संभल के अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो क्विक डिसीजन कुछ ऐसे हो जाएंगे जो आपके लाइफ को टोटली आगे चेंज कर देंगे। हेल्थ वाइज आपको बता दिया है कि आपको ब्लड रिलेटेड या हेडेक चिड़चिड़ापन थोड़ा हो सकता है। अधिकारीगण आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं, अगर आप जॉब में है कैरियर में, तो एक लेवल अप जाएंगे आप, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी
यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और चलिए अब मैं चलती हूँ कि टैरो से आपको देखते हैं कि अक्टूबर के मंथ में, फॉर द मंथ अक्टूबर के मंथ में हमारे जो एरी साइन के जो लोग हैं मून साइन में, उनके लाइफ में क्या निकलता है। अरे वाह, बहुत जल्दी आ गया। तो एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, सबसे पहले हम आपको फाइनेंस देखते हैं एरीज की। टैरो क्या बताता है, किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे, बहुत इमोशनल भी नहीं होंगे। देखिए मैंने बताया था ना, एनर्जी वही निकल के आई है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहते हैं, आप थोड़ा इमोशनल होना चाहते हैं, आध्यात्मिक होना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप सोचेंगे तो बड़े बैलेंस वे में आप आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस में भी तो ये आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल्स, विच इज वेरी गुड, अबंडेंस का कार्ड है। पर उसके बाद आया है फाइव ऑफ वैंड्स। फाइव ऑफ वैंड्स का मतलब है कि आप किसी कन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। मैंने जैसे बताया वर्की रेट्रोगेट है तो कन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपका जीत आपकी होगी, ये भी ध्यान है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है उसमें भी आपको कुछ विन विन चांस मिल जाए, 50-50 चांसेस बनते हैं आपके। For the month of October, Aries. Guys, मैं अभी दिल्ली में हूँ और अभी दिल्ली में ही हूँ मैं। 15th of October तक विजिट पे हूँ और उसके बाद 15, 16, 17, 18 मैं जा रही हूँ देहरादून विजिट करने के लिए, वास्तु विजिट के लिए। तो अगर आपको अपनी वास्तु विजिट या हॉरोस्कोप कुंडली के लिए कुछ बुकिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वाओ, ग्रेट कार्ड, सन का कार्ड आया है। आपका ओवरऑल फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है, एक नई स्टार्टअप भी होगी, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा, लग्जूरियस थोड़ा सा टाइम बीतेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, पर आप बैलेंस वे में काम करेंगे ये भी दिख रहा है। तो ओवरऑल आपका फाइनेंस का अच्छा टाइम है, स्टार्टअप भी हो सकता है आपका, ये देख रहे हैं आप, अच्छा स्टार्टअप भी हो सकता है। आप धीरे धीरे प्रगति की ओर जाएंगे, थोड़ा सा आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चों की हेल्थ ठीक रहेगी लेकिन आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी आता है कि देखिए आप स्पाउस का भी ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अभी मैं हेल्थ को अलग से रखूँगी। फाइनेंस के बाद आइए आप सीधे देखते हैं कि एरीज जो हैं उनके हेल्थ में अक्टूबर के मंथ में कितने चेंजेस हैं और कैसे रहेगी उनकी हेल्थ। ओके जी, तो हेल्थ में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और चिड़चिड़ापन मत रखिएगा, नहीं तो रिलेशनशिप, मैंने बोला ना रिलेशनशिप पे अभी आया था आपके लिए प्लैनेट्रीज में कि रिलेशनशिप पे काम आपका हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक क्विक डिसीजन लेके आपको किसी एक रिलेशन को एंड करके दूसरे को शुरू करना पड़ेगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। Knight of Cups, wow, और Knight of Swords, wow, great. तो आपके लिए अगर देखा जाए तो मैं पहले आपको बताऊं कि आप सबसे पहले देखिए कि अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखिएगा, एग्रेसिव कम्युनिकेशन मत करिएगा। हालांकि आप लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों के में ब्रेकअप आ जाए, इसलिए सोच समझ के बोलेगा, बार बार यही सलाह दे रहे हैं आपको, और कोई एक कुछ डिसीजन लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं देख तो हेल्थ के लिए रही थी लेकिन अब पता नहीं कि मुझसे ये सारा रिलेशनशिप के लिए निकल आया, तो ज़रूर कोई बात है ऐसी तो जो मेरे से एनर्जी ने ऐसे कहलवाया है, तो प्लीज़ अपने ध्यान रखिएगा।
एक बार फिर मैं देखना चाहूंगी हेल्थ वाइज। बहुत मिक्स सी आपकी इस टाइम मिक्स सा, इसका मतलब वैसे भी प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी है, थोड़ा मिक्स सा रहेगा। हेल्थ वाइज आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, मून दिख रहा है तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आपका मूड स्विंग्स होंगे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा और सिनिकल थोड़ा सा हो सकते हैं एंड इनडिसाइसिव हो सकते हैं किसी चीज को लेके कि क्या किया जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लवर्स का कार्ड भी आया है, आपकी हेल्थ बैलेंस में रह सकती है, आप एंजॉय भी करेंगे अपना फ्रेंड्स वगैरह के साथ, थोड़ा सा ट्रैवल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खाने पीने में अपना आप अपना अच्छा मतलब अच्छा खाएंगे पियेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा ओवरऑल। द ओनली थिंग इज जितनी फायरिश एनर्जी दिख रही है उस हिसाब से बस ये बोलूंगी कि अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करिएगा, गुस्सा चिड़चिड़पन को थोड़ा सा रोकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिएगा हेल्थ पे। जी हाँ, क्योंकि हो सकता है आपको फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ऐसी, देखा जाए तो मैं ये कहूंगी कि वात संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, वाटर संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या वात एयर संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आपको हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए या थोड़ा वाटर रिलेटेड डिजीज हो जाए, कोई ऐसी जगह कुछ खा पी लिया कि जहाँ पे पानी अच्छा नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये भी हो सकता है कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, या आपको हो सकता है कि एयर संबंधी कोई प्रॉब्लम, एयर संबंधी मतलब एयर इन्फेक्शन हो सकता है, या तो आपको एयर के थ्रू कोई कोल्ड हो गया, कुछ हो गया, या हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। हेल्थ वाइज तो ओवरऑल आपका जो मंथ है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है एरीज। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके लिए कि सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, और जुपिटर भी आपको सैटर्न के साथ क्योंकि कंजक्शन में जा रहा है तो ये आपके वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा एलिवेट करेगा। और पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक्सपेंस पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, ठीक है, और ज़्यादा और कुछ नहीं। एक मैं फाइनल आउटकम लेना चाहूँगी ओवरऑल। वाओ, ग्रेट, तो बस मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा मंथ है आपका, बहुत अच्छा मंथ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है द होममेड, तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाएंगे, बहुत आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने की चांसेस बनते हैं। देखिए, ये टाइम आपका चेंजिंग का टाइम आ गया, मतलब यहाँ से ना अब आपकी लाइफ में चेंज शुरू हो जाएंगे। इधर आप रिलेशनशिप पे देख लें, आप फाइनेंस पे देख लें, आप हेल्थ पे देख लें, तो इस चीज में जहां पे भी केयर करेंगे वो चीज बहुत अच्छी निकलेगी। ओवरऑल अक्टूबर के मंथ का ये आपका एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन है मेरी ओर से। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, टैरो या साइकिक रीडिंग में लेना चाहते हैं, जो विजिट करवाना चाहते हैं वास्तु के, वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, पर थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ और माफ़ी भी मांगती हूँ। कुछ समय से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं रेगुलर हूँ वीडियो में बनाने में, और कल मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टॉरस असेंडेंट के लिए। देखिए, ये जो निकाला है मैंने एस्ट्रो टैरो, ये निकाला है एरीज असेंडेंट के लिए, चंद्र राशि के हिसाब से मेष राशि के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, आप सब सुरक्षित रहें, ये मेरी मनोकामना है, और तब तक के लिए नमस्कार।